तो गाइस हम न्यू टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है गॉड गेम वी प्ले। इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा, ये 2024 का एनिमे है, काफी ज्यादा लाजवाब एनिमे था। बहुत सारे लोगों के इसके ऊपर कमेंट आ रहे थे कि भाई इसके ऊपर वीडियो बनाया। तो गाइस आज की वीडियो हम बात करेंगे जो इसका सीजन 2 का बुक कब आ रहा, किस तारीख को आ रहा है, एंड बुक कब रिलीज हो रहा है। सो वीडियो पर बने रहे, उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो सीजन 2 जानने से पहले बात कर दे थोड़ी इसकी स्टोरी लाइन के बारे में, ये एनिमे है कैसा। अगर आपको एडवेंचर गेम एंड फाइट पसंद है तो आपके लिए ये एनिमे परफेक्ट है। इसमें थोड़ा मोड़ा रोमांस भी है लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं है। ज्यादातर पूरा एनिमे गेम के ऊपर ही चलता है क्योंकि इसका नाम ही गॉड गेम। हल्की फुल्की यार इसकी समरी जान लेते हैं, और कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। इन जिन्होंने नहीं देखा तो वो सुन लेंगे, इन जिन्होंने देख रखा है तो कोई ना यार, थोड़ी तो समरी है। अगर हम बात करें अपने इस सीरीज के मेन कैरेक्टर जिसका नाम होता है फे, जो बेसिकली एक प्रो प्लेयर होता है। फीमेल मेन कैरेक्टर जिसका नाम होता है लियोलेसिया, जो बेसिकली एक गॉडेस होती है जिसको गेम खेलना पसंद तो होता है लेकिन ये एक टाइप की भगवान तो है, लेकिन इसके पास भी अनोखी पावर होती है। और अब ये भगवान नहीं है, उसका थोड़े पद अभी थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा था। तो ये बुलाती है फे को कि मुझे इसके साथ गेम खेलना है, एंड इसी बंदे के साथ खेलना है, जीते और भगवान को हराए, क्योंकि उसको भी बहुत ज्यादा गेम पसंद होते हैं और इसमें काफी ज्यादा दिमाग भी लगता है गेम खेलने में, ऐसे नहीं जीत सकते ना कोई। तो भाई आपको एडवेंचर देखने को मिलेगा, गेम तो मिलेगा ही, एंड इसकी ग्राफिक काफी ज्यादा मस्त है यार, मतलब मजा आ जाएगा, बोर नहीं करेगा किसी भी तरीके से, आपको मजा ही देगा क्योंकि आपको नए नए गेम के बारे में पता चलेगा एंड कुछ ऐसी भी चीजें पता चली जो कि सुनने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। अगर इसके एपिसोडों की बात की जाए तो इसमें सीजन 1 में हमें 13 एपिसोड देखने को मिले थे, तो आप इसको जल्दी खत्म कर सकते हो। और तो क्रंचीरोल वालों ने इसको ऑफिशियल हिंदी डब किया है, तो आप हिंदी में भी देख सकते हो। अगर आपको जैपनीज सुनना और इंग्लिश में सबटाइटल में पढ़ना पसंद है तो आप वो भी कर सकते हो, दोनों में मिल जाएगा, दोनों में देख सकते हो। इसको IMDb की तरफ से 5.8 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10, तो काफी ज्यादा ठीक ठाक है, बढ़िया है। बैक टू द टॉपिक, अब बात करते हैं जो इसका सीजन 2 का बुक कब आ रहा है। तो गाइस वैसे मैंने बहुत इसके बारे में सर्च किया, बहुत जब पता लगाया तब मुझे पता चला कि भाई इसका तो अभी सीजन 2 नहीं आ रहा। जी हाँ गाइस, नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई भी एनिमे हो उसको बनने के लिए मिनिमम 1-2 साल तो लगते हैं यार। थोड़ा वेट करो यार, अभी तो 24 ही चल रहा है, ये तो 24 में खत्म ही हुआ था ना, अभी 25 या 26 है। तो भाई अभी इसके ऊपर कोई भी रिलीज डेट नहीं बता सकते, लेकिन उसका ऊपर अनुमान लगा सकते हैं, ये हमें 2025 तक देखने को मिल सकता है या फिर 26 भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर चांस तो 25 के हैं, क्योंकि जो इसके राइटर एंड यहाँ पे जो बनाने वाले मेकर जो स्टूडियो होता है उसको देखते हैं कि भाई ये एनिमे किसको कितना ज्यादा पसंद आ रहा है। अगर ऑडियंस अच्छी रही तो इसका जो सीजन 2 है वो जल्दी आ जाएगा, अगर इसकी ऑडियंस अच्छी नहीं रही या इसका रिस्पॉन्स नहीं मिला ज्यादा तो भाई इसका सीजन 2 आने के बहुत कम चांस रह जाते हैं। लेकिन इसको तो भाई ज्यादातर लोगों ने पसंद किया है, तो भाई थोड़ा और वेट करो यार, 2025 तक तो शायद आ सकता है, या इसके ऊपर कोई रिलीज डेट आती है तो मैं वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। और आप कमेंट में बताओ कि आपको कौन से एनिमे की रिलीज डेट चाहिए या किसका एनिमे का रिव्यू चाहिए, तो मैं वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अब मैं बहुत जल्द एनिमे का रिव्यू भी शुरू करने वाला हूँ, जो जो मैंने एनिमे देखे हैं उनके बारे में बताऊंगा।